अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। अल्लाह पाक आपको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मैं आज मटन का कोरमा बनाने लगी हूँ। ये 1 किलो मैंने मटन लिया है, 1 कप दही है, ये मैंने 1 कप प्याज ब्राउन करके चूरा करके रखे हुए हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 बड़े चम्मच भर के मैंने रखे हुए हैं, ये लाल मिर्च है, ये 1 तेज़पत्ता है, 8 छोटी इलायची हैं और 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं, ये धनिया वो सॉरी इसका ज़ीरा मैंने पीस के रखा हुआ है, ये धनिया खुशक पीस के रखा हुआ है, ये मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल के ऊपर रखा हुआ है गर्म होने के लिए। अब मैं दिखाती हूँ मैंने बनाना कैसे है। मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट मिश्रण, ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त डालने वक्त। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, हल्दी अदरक और इसमें मैं गोश्त शामिल करने लगी हूँ। इसमें मैंने वो तेज़पत्ता और वो भी डाल लिया था, लाचमी भी डाल ली थी और दालचीनी भी अदरक के साथ ही, और ये मैं आप भूनूँगी, इसे इतना भूनूँगी वाइट हो जाएगा तो फिर आगे दिखाती हूँ क्या करेंगी। ये देखें जी, ये इसने पानी छोड़ा था, 10 मिनट लगे हैं मुझे घूमते हुए, अब इसका ऑयल बिल्कुल निखर गया, बोटियाँ लहदा हो गई हैं, यहाँ पे मैं दूसरे मसाले शामिल करूँगी। ये 1 चम्मच खुशक धनिया, ये ज़ीरा 1 चम्मच और ये तकरीबन 1.5 चम्मच मिर्च। ये देखिए मैंने 2 किस्म की कूटी हुई है, अब इसे मैं बुनाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे ये बुनाई इसकी फिर हो गई है, मैंने मिर्चे मसाले सारे डाले हैं, उसके बाद ये मैंने भून लिया अच्छी तरह, इसका ऑयल अलहदा हो गया है। वैसे तो ये मुर्गी होती तो इसे अब ज़रूरत नहीं थी दम लगाने की, मैं यहीं पे दही वगैरह शामिल करके इसे आखिरी मतलब दम दे के कुक कर लेती, लेकिन ये है मटन है इसे मुझे गलाना पड़ेगा। मैंने 2 कप पानी लिए हुए हैं, ये डालूंगी और इसे मैंने अच्छी तरह गला लेना है, गलाने के बाद जो फिर मैं भूनूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें जी गोश्त गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट लगे हैं गोश्त को गलने में, मटन कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल में बूढ़ी कोई बकरी या बकरा था, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये 1 कप भर के मैंने दही ली हुई है वो शामिल करूँगी। दही शामिल करते ही फौरन चमचा चलाना चाहिए, दही फट ना जाए। 2-3 मसाले हैं जो मैं यहाँ पे शामिल करूँगी, ये थोड़ा सा मैं हिलाती हूँ दही, एक दफ़ा ये जोश में आएगा तो फिर मैं दूसरे मसाले डालूँगी। ये मैं इसमें जायफल और जावित्री डाल रही हूँ, ये देखें 2-3 लौंगे कूट ली थी मैंने और जायफल जावित्री थी, क्योंकि मैं इसमें कोरमा मसाला जो बाज़ार का मिलता है वो नहीं मैं डालना चाह रही, तो मैंने खुद अपने घर के मसाले डाले हैं सारे, देसी तरीके से बनाया है ये, माशाल्लाह दूसरे कोरमे से भी अच्छा बनता है। और ये मैंने प्याज जो है ऐसे करके ब्राउन रखी हुई थी, हाथों से चूरा की हुई है, ये प्याज यहाँ पर मैं शामिल करूँगी। असल कोरमे का यही मसाला है जो प्याज हम ब्राउन करके डालते हैं, इसकी जान है ये, और ये मैंने इसके अंदर पूरी शामिल कर दी है, ये तकरीबन 1 बड़ा कप भरा हुआ था, 1 बाउल था। अब इसे मैं दम दूंगी और दम में ये गल जाएगा, और ये कौड़ा एसेंस है ये डालना है, ये आपकी मर्ज़ी है, जौन से ब्रांड का मर्ज़ी है ले ले, 2 बूंदें इसकी डालनी है तभी कोरमे की खुशबू आएगी, ये आप पर डिपेंड करता है, अगर नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें, वरना अच्छा लगता है डाले हुए, अगर डाल लें तो सही है।
मैं तो डालती हूँ, आपकी अपनी च्वाइस है। तो इसे अब मैं ऊपर कवर कर दूंगी ढक्कन से, फिर मैं इसकी शक्ल दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, इसे मैंने दम दिया है, सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन एक कप, कप से भी थोड़ा डालूंगी, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। बस इतना सारा पानी डालूंगी, बस ये कुक हो गया है। मैं फिर आपको भी शॉर्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी, इतना सारा ही मैं इस डोंगे के अंदर डालूंगी जितना हमने खाना है। ये देखें, इसका ऑयल है, जो नहीं खाना चाहता वो बेशक ऑयल निकाल दे, इसमें वो कोई नहीं है कि ऑयल ज़रूरी है खाना, ऑयल के बगैर तो ये बनता नहीं है, ऑयल तो डालना पड़ता है। ये देखें इसकी ये शक्ल बनी है। चलें जी ठीक है, ये तो था यहीं तक। अपने घर में ज़रूर बनाना और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।